स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ स्क्वायर्स एंड स्क्वायर्स रूट, वर्ग एंड वर्गमूल। इसका क्या हुआ हिंदी? स्क्वायर्स मीन्स वर्ग एंड स्क्वायर रूट्स मीन्स वर्गमूल। तो आइए आज हम स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन समझेंगे, क्या है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर्स रूट्स, और तब उसके बाद क्वेश्चन इससे संबंधित हम उसका सोल्यूशन प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे स्क्वायर्स का। स्क्वायर्स का मतलब होता है व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। देन क्या प्राप्त करेंगे? प्रोडक्ट उसका प्राप्त करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टेन यानी प्राप्त करना इज कॉल्ड स्क्वायर्स। ये आपका डिफाइन हुआ। जब हम किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और जो नंबर प्राप्त होगा वह स्क्वायर ऑफ दैट नंबर कहलाएगा। जो हम नंबर लेंगे और उसी नंबर से उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो स्क्वायर ऑफ दैट नंबर कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू यहाँ लेते हैं, थ्री मल्टीप्लाई थ्री ले लिया नंबर, थ्री में थ्री से ही मल्टीप्लाई किया कर दिया तो क्या हो गया? थ्री स्क्वायर टू टाइम्स हो गया, कितना रिजल्ट हो जाएगा? नाइन। तो नाइन इज स्क्वायर ऑफ थ्री। नाइन क्या हो गया? थ्री का स्क्वायर हो गया, वर्ग हो गया। नाइन क्या है? थ्री का वर्ग। फाइव मल्टीप्लाई फाइव का स्क्वायर इक्वल 25। तो यह क्या हो गया? 25 इज द स्क्वायर ऑफ फाइव। इसीलिए इसका डिफाइन क्या कहा गया है? व्हेन ए नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। जब किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आपको प्राप्त हो गया रिजल्ट वो स्क्वायर ऑफ द नंबर कहलाएगा। क्लियर? कोई भी नंबर लेंगे, 6 × 6 जो है से 6 लिए, 6 ने 6 से ही मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा? 6 स्क्वायर 6। तो ये सब जितने भी नंबर आपको प्राप्त हो गया वो आपका स्क्वायर ऑफ स्क्वायर्स का जो है से थी वर्गमूल, वर्ग। स्क्वायर्स मीन्स वर्ग होता है। तो जब हम किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जो नंबर प्राप्त होता है वो स्क्वायर ऑफ डेट नंबर कहलाता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर्स नेचुरल नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट स्क्वायर। ए नेचुरल नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट स्क्वायर इफ
if it is the square of a natural number. कहता है ये नेचुरल नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट स्क्वायर. नेचुरल नंबर कब परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा? इफ यदि इट इज द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर का स्क्वायर जो है सो होगा तभी उसको हम क्या कहेंगे? परफेक्ट स्क्वायर. जैसे परफेक्ट स्क्वायर जो है से हम लेंगे जो है से एग्जांपल में कैसे लेंगे? फोर को हम कैसे लिख सकते हैं? टू इंटू टू. नाइन को कैसे लिख सकते हैं? थ्री इंटू थ्री. ट्वेंटी फाइव को कैसे लिख सकते हैं? फाइव इंटू फाइव. तो यहां हम कहेंगे द नंबर आपको जो प्राप्त हो गया फोर नाइन ट्वेंटी फाइव, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर. यानी किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर जो नंबर आपका प्राप्त होगा, नेचुरल नंबर का स्क्वायर जो आपका नंबर प्राप्त होगा वही परफेक्ट स्क्वायर होगा. जो भी नंबर ले लीजिए, सिक्स लेंगे तो इसका हो गया थर्टी सिक्स. सिक्स का परफेक्ट स्क्वायर ये सब आएंगे. क्लियर? तो आपका स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर ये शो करने के लिए आपको देगा, कोई नंबर दे देगा, कहेगा कि इज इट परफेक्ट स्क्वायर. क्या दिया गया नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर है? तो कैसे हम जानेंगे? आइए एक एग्जांपल के द्वारा उसको समझते हैं. ऐसे कुछ नंबर है जो नोट कर सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर में, कुछ वन टू ट्वेंटी तक कम से कम आप स्मरण रखेंगे. समझ गए? वन टू ट्वेंटी. परफेक्ट स्क्वायर है, आप नोट कर लेंगे, याद करेंगे. स्क्वायर ऑफ फर्स्ट ट्वेंटी नेचुरल नंबर्स. नंबर स्क्वायर नंबर स्क्वायर वन का वन, टू का फोर, थ्री नाइन, फोर सिक्सटीन, फाइव ट्वेंटी फाइव, सिक्स का थर्टी सिक्स, सेवन फोर्टी नाइन, एट सिक्सटी फोर, नाइन एटी वन, टेन हंड्रेड, इलेवन वन ट्वेंटी वन, ट्वेल्व वन फोर्टी फोर, थर्टीन वन सिक्सटी नाइन, फोर्टीन वन नाइन सिक्स, फिफ्टीन टू टू फाइव, सिक्सटीन टू हंड्रेड फिफ्टी टू फाइव टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स, सेवेंटीन टू एट नाइन, एटीन थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फोर, नाइनटीन थ्री हंड्रेड सिक्सटी वन एंड ट्वेंटी फोर हंड्रेड. ये आपका स्क्वायर है वन टू ट्वेंटी तक. इसको आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे, आपको हेल्प होगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने में. ये सब इतना एकदम माइंडेड रखिएगा, याद कर लेंगे.
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है क्वेश्चन में एग्जाम्पल से चलते हैं। एग्जाम्पल वन आपका कहता है, क्वेश्चन है, इच 324 ए परफेक्ट स्क्वायर, आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्या 324 क्या परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको प्राइम फैक्टर पहले हम तोड़ेंगे। देखिए क्या 324 टू से वन टाइम्स 12, सिक्स टाइम्स 4, टू टाइम्स 2, 8 टाइम्स 2, 1 टाइम्स 3, 27, 3, 9, 3, इस तरह से इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया। इसको ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन में, 324 इसका प्राइम फैक्टर हो गया 2 × 3 × 3 × 3 × 3। यहाँ देख रहे हैं पेयर ऑफ नेचुरल नंबर प्राप्त हो गया, 2 एक पेयर, 3 वन पेयर और 3 वन पेयर, यानी पेयर के रूप में प्राइम फैक्टर क्या आ गया है, पेयर के रूप में आ गया। जब पेयर के रूप में आपको मिलेगा तो जो आपका नंबर होगा वो निश्चित से आपका क्या होगा, स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर जो है से उसको माना जाएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो इस तरह से एक क्लियर कर देता है सिंस, यहाँ लिख देंगे सिंस, क्योंकि 324 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर। क्लियर हो जाता है, सिंस 324 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। इस तरह से हम इसको करेंगे, जो भी रहेगा दिखाने के लिए आपको परफेक्ट स्क्वायर, उसको हम प्राइम फैक्टर तोड़ लेंगे। प्राइम फैक्टर यदि आपका पेयर के रूप में प्राप्त हो जाएगा तो आप निश्चित रूप से कर सकते हैं कि दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर। यदि नहीं आता है स्क्वायर के रूप में, पेयर के रूप में, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहा जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए कैसे नहीं आया, जैसे 12 को क्या कहा जाए, क्या 12 हो जाएगा 2 × 2 × 3, इसका प्राइम फैक्टर ये हो गया। यहाँ है पेयर के रूप में है नंबर, स्क्वायर के रूप में 2 आपका है पेयर के रूप में, ये कहाँ गया, ये अकेला है पेयर के रूप, इट इज नॉट पेयर, सो 12 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर, इस तरह से क्वेश्चन आपको ये रहेगा, दिया हुआ रहेगा नंबर, आपको परफेक्ट स्क्वायर आपको बताना है। ये क्लियर हो गया। अगला किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा वो आप देखें,
एग्जाम्पल फोर, एग्जाम्पल फोर आपका है फाइंड द स्मॉलेस्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। By which seven hundred twenty should be multiplied to make it a perfect square. क्वेश्चन कह रहा है आपका फाइंड, प्राप्त करें दी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, बाय विच जो 720 शुड बी मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई किया जाए टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, पिता की परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। वह छोटी संख्या आपको ज्ञात करना है जिससे 720 में मल्टीप्लाई करने के बाद वो परफेक्ट स्क्वायर मिल जाना चाहिए। देखिए इसका सोल्यूशन कैसे किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेस 720 इंटू प्राइम फैक्टर, 720 प्राइम फैक्टर छोड़ेंगे इसको, 312 टू से लगाएंगे 180, ये आप तोड़ने के लिए जानते हैं, पढ़ चुके हैं, इस तरह से तोड़ लेंगे। दिस इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ 720। अब 720 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 यहाँ लिख दिया। अब यहाँ ध्यान दें, 2 स्क्वायर के रूप में, 2 स्क्वायर के रूप में, 3 स्क्वायर के रूप में, आपको 5 जो है से नोट पेयर, बाकी पेयर में है लेकिन 5 जो संख्या है आपका वो पेयर में नहीं है, अकेला है, तो पेयर में लाएंगे तब ना ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, उसके लिए 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, जो अकेला यहाँ रह गया अनपेयर्ड, 5 इज अनपेयर्ड। हेयर लिखेंगे, हाँ हेयर फाइव इज अनपेयर्ड, अनपेयर्ड है तो इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी यह परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगा, क्योंकि इसको भी पेयर में आना चाहिए, 5 जो है से अनपेयर्ड है। सो टू मेक, इसको बनाने के लिए परफेक्ट स्क्वायर, टू मेक 720 ए परफेक्ट स्क्वायर, फाइव शुड बी पेयर, पेयर चाहिए, इसको क्या चाहिए, पेयर जोड़ा चाहिए। सो इसलिए द गिवन नंबर, जो दिया गया नंबर है, शुड बी मल्टीप्लाइड
should be multiplied by 5. मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो ये आपका रिजल्ट हो गया। स्मॉलेस्ट जो नंबर था कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, रिक्वायर्ड नंबर कितना होगा, 5 होगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसलिए रिक्वायर्ड नंबर कितना हो जाएगा, 5। यही 5 आपका आंसर हो गया। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरह से जो भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, डिवाइड भी देख करके आपको रख सकता है, जो आएगा अनपेयर्ड वो 5 से डिवाइड करके उसको कैंसिल कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर आपको मिल जाएगा। ये डिवाइड में है, ये क्वेश्चन है इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, उसको भी जस्ट बनाने का ढंग एक ही है, थोड़ा सा यहाँ मल्टीप्लाई न लिख करके डिवाइड लिखते हैं, तो कैसे उसको भी बना लीजिए। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़िए। का क्वेश्चन है एग्जाम्पल 5, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर by which परफेक्ट स्क्वायर, यही आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ये जो नंबर दिया गया है इसमें कि वह छोटी से छोटी संख्या बताना है कि जिससे डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। उसमें मल्टीप्लाई था, इसमें आपका डिवाइड है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसको हम प्राइम फैक्टर के रूप में इसको हम तोड़ेंगे। इसको प्राइम फैक्टर के रूप में हम पहले तोड़ देंगे, इसे नहीं लगेगा, इसे नहीं लगेगा, फोर से भी नहीं लग गया, फाइव से भी नहीं लग गया, सिक्स से भी नहीं लगेगा, सेवन से लगेगा, सेवन से लगा गया, 3, 6, 1 टाइम लगेगा, 3, 6, 1 एक आपको कितने बार में लगेंगे, ये हम जानते हैं स्क्वायर ऑफ 19 का है, 361 बताया गया है, ये 90 का स्क्वायर है, तो 90 से हम इस तरह से इसको काट सकते हैं। कितना आ गया इसका जो है से प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2527, 7 मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई 90। देखिए अनपेयर्ड 7 है, 19 आपका पेयर में है, 19 पेयर में है, अनपेयर्ड कितना है 7, तो लिखेंगे हेयर 7 इज अनपेयर्ड, यहाँ कितना है 7 अनपेयर्ड है,
तो इसको हम क्या करेंगे, हेंस सेवन से डिवाइड करेंगे तो सेवन कैंसिल हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर आपका सेवन कैंसिल कर देंगे। हेयर वी शुड डिवाइडेड बाय सेवन टू गिव एन नंबर 2527। जब सेवन से करेंगे हेंस इट बिकम्स, हेंस इट बिकम्स तब क्या बन जाएगा, ए परफेक्ट स्क्वायर। इसमें हम यदि डिवाइड करेंगे तो सेवन कैंसिल हो जाएगा, इतना बाय सेवन करेंगे, सेवन सेवन कैंसिल तो 19 मल्टीप्लाई 19 एक परफेक्ट स्क्वायर ही ना होगा। जैसे देखिए इस तरह से सेवन मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 19 हो गया, इसमें हम डिवाइड सेवन से कर दिया तो सेवन कैंसिल हो करके 19 मल्टीप्लाई 19 परफेक्ट स्क्वायर हो गया, 19 मल्टीप्लाई 90 परफेक्ट स्क्वायर जो भी आएगा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो डिवाइड करने के बाद वो कैंसिल हो जाता है तो आपका रिक्वायर्ड नंबर कितना जो है सो हो गया 7। 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। इसलिए रिक्वायर्ड नंबर कितना हो गया 7, इसे डिवाइड किया है परफेक्ट स्क्वायर मिला है आपका 7 जो है से रिक्वायर्ड नंबर जो है से प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार आपका जो एक्सरसाइज 3A एक्सरसाइज HW में पूरा आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। 3A तो HW के रूप में आप 3A बनाएंगे। एक्सरसाइज 3A बस आज इतना ही, शेष अगले वीडियो में। थैंक यू।